देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बीते दिन मंगलवार देर शाम को खटीमा विकासखंड के दयुरी ग्राम में आराधना ज्वेलर्स के स्वामी नानक मत्ता निवासी रमेश रस्तोगी के ऊपर कुछ अज्ञात नकाबपोशों द्वारा उनकी दुकान पर ही गोलीबारी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और नकाबपोश हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रस्तोगी को उपचार के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बरेली भोजीपुरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां जाते समय रास्ते में ही घायल रमेश रस्तोगी की मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी की तहरीर पर कोतवाली खटीमा में तत्काल ही मुकदमा पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मीडिया को बताया, मामले का खुलासा करने के लिए हमारे द्वारा कुल 8 टीमों का गठन किया। सभी ने पूरी क्षमता से कार्य करते हुए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के जरिए केवल 8 घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 .315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस आदि को बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि घटना को अंजाम देने के लिए 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर बैठकर आए, जिसमें से 2 उतरकर रमेश रस्तोगी की दुकान में जाकर उनके ऊपर फायरिंग की और दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ सूखा निवासी ग्राम फुलैया थाना खटीमा, विक्रमजीत सिंह निवासी ग्राम फुलैया थाना खटीमा और लखविंदर सिंह निवासी ग्राम दैरियू थाना खटीमा ने पूछताछ में बताया कि मृतक रमेश रस्तोगी से उनका पुराना कुछ पैसे का हिसाब किताब था, जिसे लेकर हाल ही में सुरेंद्र सिंह उर्फ सूखा की रमेश रस्तोगी से कहासुनी हुई, जिसके चलते अभियुक्तों ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया और मृतक रमेश जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस खुलासे को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपये की नकद धनराशि से पुरस्कृत किया गया। बीते रात को लगभग 8:30 बजे हमको सूचना मिली कि ड्यूरिया जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है, उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा कुछ राउंड फायर कर लिया गया। तुरंत 3 लोग भाग गए करके, उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक, ठीक है। तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफरर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस और संवेदनशील घटना था। इस घटना का संवेदनशीलता देखते हुए पूरे जनपद को हमने नाकाबंदी और सीलिंग करा दिया था। तो कुल मिला के रात भर काम करे इतनी बड़ी टीम का, कम से कम 30 से 40 लोग हमारा टीम थी, जो बहुत बड़ी टीम थी और अलग अलग काम कर रही थी। तो इस हम लोगों ने मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस तीनों के माध्यम से काम किया। इन तीनों का समागम का नतीजा है कि हमको काफ़ी इनपुट्स मिल गया और अल्टीमेटली तो हमारा मनोज धोनी और हमारा देवेंद्र गौरव को कड़ी इनपुट जो मिली, जब फोटोज को दिखा दिखा के एक जहाँ पे वो जीरो इन कर लिया, जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, वहाँ पर हमको बहुत स्ट्रांग इनपुट मिला। उस स्ट्रांग इनपुट के आधार पर जाकर डेयरिंग रेड मारा। आधी रात में असलाओं से लेस बदमाशों को पकड़ना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारा टीम ने बहुत बड़ी रेड मारी और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि तीनों अभियुक्त जो वारदात में शामिल थे, वो तीनों अभियुक्त पकड़ में आ गए। जानकारी में आया है पूछताछ में कि उनका 2 साल पहले से कुछ पैसे का लेन देन था। इसके अनुसार ये है कि 20,000 रुपये दिया था इसने एक अंगूठा बनाने के लिए बेटी के नाम पर, वो अंगूठा कभी बना नहीं, रस्तोगी द्वारा बना के नहीं दिया, और बाद में पूछने पर जो है आनातानी हो रही थी और एक दिन जो है काफ़ी हॉट टॉक हो गई थी और कुछ अभद्र टिप्पणियाँ भी दिया था, ऐसा इसका कहना है। बाद में इन्होंने परसों डिसाइड किया और बहुत ज़्यादा शराब पी के आके तुरंत इस घटना को अंजाम दिया गया। सुखविंदर उर्फ सुक्का, उसका बेटा और उसका भतीजा विक्रमजीत और लखविंदर के ऊपर लूट के मुकदमा भी है। ये लोग हार्डकोर अपराधी है, ये शराब के मुकदमे भी है, इनके ऊपर लूट का मुकदमा भी है। इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, आपसी रंजिशन पैसे को लेकर, रंजिश को लेकर। जिस घटना का त्वरित खुलासा के अलावा, मात्र खुलासा के अलावा, हमने सभी अपराधी शामिल अपराधियों को हमने तत्काल हमने आज पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके अलावा घटना में प्रायुक्त तीनों जो तमंचे हैं उनको हमने बरामद कर लिया गया है, 2 तमंचे बरामद कर लिया गया है और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रायुक्त उसको बरामद कर लिया गया है, हेलमेट भी, सारे चीज़ें बरामद कर लिया गया। और अच्छे तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन करके फांसी की अपील करेंगे। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए टीम को मेरा 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड और 3 कर्मचारी संतोष और हमारा मनोज धोनी और हमारा एसओ देवेंद्र, इनको मैं मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करता हूँ। तीनों ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।